हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। जैसा कि आज मैं आपके साथ, आपने मेरा टाइटल देखा है, मैं शेयर करने जा रही हूं आपसे बहुत ही ब्यूटीफुल से कुछ लहंगे, साड़ी एंड प्लाजो सेट। क्योंकि अब शादियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फेस्टिवल तो ख़त्म हो गए हैं, बट अब बैक टू बैक जो शादी हैं वो आ रही हैं। तो आप अपनी सिस्टर की शादी में, अपनी फ्रेंड की शादी में क्या पहन सकते हैं, कैसे ब्यूटीफुल लग सकते हैं, वो ही आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। कुछ यहाँ पे मैंने लहंगे, साड़ी एंड प्लाजो सेट मंगाया है। सो वो ये मैंने योयो फैशन से मंगाया है, वही मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको योयो फैशन में प्रोडक्ट जो है वो मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाता है और आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये जो ब्यूटीफुल सा सूट मैंने पहन रखा है, यही है प्लाजो सेट, शरारा सूट है एक्चुअली ये, जो कि मैंने योयो फैशन से मंगाया है। इसको मैंने स्टाइल है मंगलसूत्र और बैंगल के साथ, हेयर स्टाइल थोड़ी सी बनाई है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक लहंगे से, क्योंकि जब शादियों की बात होती है तो शादी में हम लोग सोचते हैं कि हम लहंगा कौन सा पहने जिससे हम ब्यूटीफुल दिखेंगे और वो सस्ता भी हो। क्योंकि एक शादी में पहनने के बाद दूसरी बार वो लहंगा पहनने में थोड़ा सा हम लोग को हेजिटेशन होता है ना कि लास्ट शादी में मैंने वो पहना था, इस बार मैं वो नहीं पहनूंगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ये लहंगा जो है मंगाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट लहंगे के साथ अपना ये हॉल स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ये सिल्क प्रिंट में आपको ये लहंगा मिलता है, जो कि ये सेमी स्टिच है। सेमी स्टिच मीन्स आपको ये लहंगा तो सिला सिलाया मिल जाता है, बट आपको इसका जो ब्लाउज़ है वो आपको यहाँ पे स्टिच करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का ही ब्लाउज़ मिलता है। ये देखिए, ये है ब्लू एंड गोल्डन कलर का, इसमें प्रिंट है। साथ में यहाँ पे आपको रेड कलर की चुनरी मिल जाती है, जो कि अगेन सिल्क बेस्ड ही है। ये देखिए, पतली सी चुनरी है, ज़्यादा आपको हैवी चुनरी इसमें नहीं मिलती है कि आपको इसको कैरी करने में प्रॉब्लम होगा। आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं, पूरी शादी में इसको आप वेयर कर सकते हैं। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट लहंगा। एंड इसके प्रिंट की अगर बात करें ना, तो ये प्रिंट जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। साइड में आपको यहाँ पे जिप भी दी हुई है। ये देखिए, इस तरह से आप जिप ओपन करेंगे एंड जिप को आप जब बंद करेंगे तो ये आराम से, इसमें सिर्फ आपको जारबन डालना होगा और आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फ्लेयर भी इसका काफ़ी अच्छा है, बट इसमें अंदर से आपको केन नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं केन लगवाना तो आप इसको केन भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप केन वाली स्कर्ट लेकर के वो भी इसमें आप वेयर कर सकते हैं। सो मेरा ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। एंड इसके बाद ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस मैंने वेयर कर रखा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको स्टेप वाला टॉप मिलता है एंड जो बैक साइड में है वो पीछे से फ्रंट बैक ओपन है। एंड जो ये कपड़ा है ये जॉर्जेट का है। साथ में आपको ये शरारा जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल दिया हुआ है। दुपट्टे को आप देख सकते हैं, पतली सी प्लीट बनी हुई है तो कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वाइट एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बाद नेक्स्ट साड़ी की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक पर्पल कलर की साड़ी मंगाया है। ये देखिए, क्योंकि शादी पार्टी में कुछ डार्क कलर हो तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। आप लोग को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, ये इसका जो है ये पल्ला है, कुछ इस तरह से चौड़ा सा बॉर्डर दिया गया है। जॉर्जेट की साड़ी है। पूरी साड़ी में यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से बूटे जो हैं वो बने हुए हैं, मतलब कढ़ाई जो है वो है। एंड इसके अगर ब्लाउज़ की बात करें तो इसमें ब्लाउज़ भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज़, जो कि पूरे ब्लाउज़ में एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए गाइस, बहुत सुंदर सा ब्लाउज़ है। पूरा ब्लाउज़ जो है हैवी ब्लाउज़ बनने वाला है। सो ये पहन करके बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये इसमें आपका फ्रंट का भी एम्ब्रॉयडरी है एंड इसमें बैक की भी एम्ब्रॉयडरी है। तो आप इस तरह से अपने ब्लाउज़ को बनवा सकते हैं, जो कि पहन करके बहुत सुंदर लगेगा। बाकी ट्राई ऑन हॉल में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है। साड़ी बहुत अच्छी है एंड इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे कि आपको परचेज़ करने के बाद लगे कि ओ माय गॉड, मैंने इतना महंगा क्यों ख़रीद लिया। अब नेक्स्ट
शादी में मैं क्या पहवेयर करूँगी, तो आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। आपको इसमें से सबसे अच्छा लहंगा साड़ी या शरारा सूट क्या लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप इसमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट ड्रेस की बात करें तो वो है ये ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल सा सिल्क लहंगा, जो कि अगेन सेमी स्टिच लहंगा है। एंड यहाँ पर आपको अगेन इसमें जिप मिलती है, ये देखिए चेन से आप इसको ओपन करेंगे, जालबन डालेंगे एंड आप इसको वेयर कर सकते हैं। सिर्फ आपको ब्लाउज वेयर करना होगा, ब्लाउज आपको स्टिच करवाना होगा। तो ये देखिए पूरे यहाँ पे लहंगे में आपको इस तरह की प्रिंट डिज़ाइन जो है वो मिल जाती है, जो कि पहन करके एकदम मोरनी वाला लुक आने वाला है। तो इसको ये तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है, बहुत ही सुंदर सा। एंड इसमें ग्रीन कलर का ही ब्लाउज है, ये देखिए ये ब्लाउज का कपड़ा है जो कि ग्रीन ही कलर का है। सो आप इसको बनवा सकते हैं। एंड इसके साथ यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में आपको ब्लू कलर का दुपट्टा मिल जाता है, जो कि अगेन पतला सा दुपट्टा है। ये देखिए मैं आपको पिक्चर साइड में लगा दूँगी कि ये किस तरह से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लहंगा है, तो एंड लाइट वेट है। सबसे बड़ी बात है कि लाइट वेट है, आपको पूरी शादी में क्या पहनना है कैसे पहनना है बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार इतना हैवी लहंगा है मैं कैसे वेयर करूँगी पूरी शादी में। क्योंकि शादी में क्या होता है ना, अगर आप लड़की की तरफ से फ्रेंड हैं तो पूरी रात बहुत सारे ट्रेडिशन होते हैं, फेरे होते हैं, वो आपको देखना है, तो आप ये लहंगा वेयर करके पूरी शादी इन्जॉय कर सकते। गाइज़ ये था मेरा छोटा सा शादी के सीज़न में मेरी शॉपिंग, जो कि मैंने अपने आपसे आपके साथ शेयर करी। अभी बैक टू बैक शादी मेरे घर में भी है, तो मैं इसमें से क्या वेयर करने वाली हूँ वो मैं मैंने आपको दिखाया है। तो मैंने तो शादियों की शॉपिंग जो है वो कर ली है, क्योंकि मेरे घर में भी अब बैक टू बैक शादी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। आप लोग इसमें से क्या पहनेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे, कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो इसी के साथ मैं ये हॉल यहीं पर फिनिश कर देती हूँ एंड मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट हॉल में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।